हेलो 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 चलिए शुरू किया जाए आर एस एस रीजनिंग टेस्ट पंद्रह नंबर सेट और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है एनालॉजी का पहला क्वेश्चन है हमारे पास डी आई एम पी और यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है डी आई एम पी के लिए लिखा है सी जे एल क्यू तो डी और डी e और सी तो माइनस वन हो गया आई और जे तो प्लस वन हो गया एम और एल माइनस वन हो गया पी और क्यू प्लस वन हो गया ठीक है माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन हुआ है अब यहाँ पर u में माइनस वन करिएगा क्या हो जाएगा t और t किस किस ऑप्शन में है दो तो ऑप्शन में पहला लेटर t है दो ऑप्शन में t नहीं है इसके बाद अब अगर हम बात कर लें यहाँ पर बाबू माइनस वन यहाँ प्लस वन फिर यहाँ पर माइनस वन जेड में माइनस वन करेंगे क्या होगा वाई होगा यानी कि दो नंबर विकल्प सही हो जाएगा और चार नंबर विकल्प भी, भी गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो नंबर डी ऑप्शन को दिक्कत इसमें चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए क्या लिखा है ए बी डी एच ए बी डी और एच ठीक है प्लस यहाँ पर दो प्लस यहाँ पर चार प्लस यहाँ पर चार प्लस यहाँ पर आठ प्लस टू प्लस फोर प्लस फोर प्लस एट किया गया है यही सिचुएशन यहाँ पर लगाइए ये में प्लस टू करेंगे हो जाएगा एल एक ऑप्शन गया दूसरा ऑप्शन भी गया अब यहाँ पर प्लस फोर हो जाएगा ओ फिर यहाँ प्लस फोर हो जाएगा क्यू और यहाँ पर करेंगे प्लस एट हो जाएगा वाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो नंबर डी ऑप्शन तीसरा सवाल आई जे के और एल ठीक है आई जे के एल और यहाँ पर क्या किया गया प्लस दस किया गया आई में प्लस दस करिए एस के में प्लस दस करिए के में प्लस दस करिए यू एल में प्लस दस करिए तो भी तब में क्या हुआ प्लस दस किया गया यहाँ पर एम और एम में बाबू प्लस दस करेंगे क्या हो जाएगा डब्लू हो जाएगा एम तेरह नंबर पर प्लस दस किए तो तेईस यानी कि डब्लू और डब्लू किस किस ऑप्शन में है डब्लू सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में यहीं पर है आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दो नंबर डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर क्या लिखा नीली हुएल तो सागर सागर यानी कि समुद्र समुद्र का सबसे बड़ा जीव कौन सा नीली हुएल तो उसी प्रकार से अब यहां पर जब समुद्र का सबसे बड़ा जीव नीली हुएल यहाँ व्हाट और स्थल स्थल का सबसे बड़ा क्या होता है हाथी होता है आंसर होगा हाथी ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर अरक्ता और रुधिर अरक्ता मतलब खून की कमी ठीक है अरक्ता मतलब खून की कमी तो खून की कमी और रुधिर मतलब क्या होता है खून होता है यानी कि अरक्ता जो होता है वो खून के कमी से होता है यहाँ पर अराजकता जो होता है वो किसके कमी से होता है राजतंत्र राज व्यवस्था के कमी से होता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार नंबर डी ऑप्शन कठोर और शैल उसी प्रकार से कोमल तो क्या स्पन्ज एक नंबर ऑप्शन चलिए एच एल और P क्या हुआ इसमें माइनस दो माइनस चार माइनस छ माइनस आठ माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट अब यहाँ पर वही करिए माइनस टू करेंगे तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कोई बात नहीं है नहीं है तो दूसरा नियम से बनेगा और क्या प्लस चार प्लस चार प्लस चार, चार तब यहाँ प्लस चार हुआ है यहाँ पर प्लस दो प्लस दो प्लस दो सब में यहाँ प्लस दो हुआ है यहां पर क्या है छः तीन नौ नौ आधा आधा लिखा नहीं ये होता है तो का आधा क्या अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो गड़बड़ हैच एल पी माइनस दो माइनस चार माइनस छ माइनस आठ अगर चलिए इसमें करते हैं माइनस दो तो होगा डी माइनस चार करेंगे हो जाएगा ई e, माइनस छ जाएगा एल माइनस आठ करेंगे तो हो जाएगा एल पी ऐसा भी एक ठो ठो लेटर रहता तो समझ में आता है चलिए कोई बात नहीं और हुआ होगा ये है, नौ है अठारह है और चौबीस है अगर आधा इसमें से घटा दे रहे हैं मान लीजिए प्लस माइनस थ्री माइनस थ्री तो एफ यहाँ पर माइनस नाइन यहाँ पर माइनस बारह सारे नंबर हो जाएगा। तो एल बना लीजिए। आई को एल बना दीजिए। आई एल में थोड़ा मिस्टेक हो भी सकता है। 12 में 6 घटा दीजिए तो यहाँ पर फिर आई और यहाँ पर फिर 50 परसेंट ऑफ किया गया है, है ना जी? आधा घटाया गया, यहाँ पर एल ही होगा तब। तो। वो तो करेक्शन में ही चलिए अगला चार नंबर सेवन के बाद एट नंबर सवाल क्या लिखा यहाँ पर देखिए एक है दो है चार है और बाबू पांच है अब एक दो चार और पांच का क्या क्या सिचुएशन है हेलो हेलो दो और चार को जोड़ दीजिए कितना हो गया छः और उसमें से एक घटा दीजिए कितना हो गया पाँच आठ चार बारह और बारह में तीन घटा दीजिए तो नौ यहाँ पर चौदह और सात इक्कीस इक्कीस में छः घटा दीजिए तो पंद्रह दस और पंद्रह कितना दस और पाँच कितना पंद्रह पंद्रह में चार घटाएगा तो ग्यारह होगा बारह लिखा गया है आंसर ऑप्शन चार नंबर डी ऑप्शन बता दें कुलबुल है चमगादड़ है गौरैया है और किल किलकिला है सारा का सारा जो है बुलबुल बुल तो पक्षी चमगादड़, गौरैया किलकिला सारे के सारे पक्षी हैं ये जो है चमगादड़ पक्षी में नहीं आता है। ठीक है हाँ जी स्तनधारी जीव में आता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो नंबर बी ऑप्शन तिलकिला क्या होता है बाहर निकल हेलो कट फॉर नहीं है बाबू हाँ पक्षीय है हाँ अचरेंगा छोटा किल है चलिए हो गया देख लिए। आइए वापस अब हाँ जी तो क्वेश्चन हमारे पास अगला कौन है खत्म ये वाला नहर है नाली है डुबकी है खाई है नहर है नाली है डुबकी है खाई है क्या आंसर हो जाएगा डुबकी हो जाएगा नर में डुबकी लगाइए नाली में डुबकी लगाइए में, खाई में डुबकी लगाइए सब जगह पानी बहता हुआ एक आ, क्या बोलते हैं yeah. प्रोसेस क्रिया हो गया ठीक है आंसर बाबू तीन नंबर सी ऑप्शन अगला सत्ताईस है तीन का क्यूब दो का क्यूब और ये पांच का क्यूब तीन का क्यूब दो का क्यूब ये बाबू पांच का क्यूब है ये आंसर दो तो सौ कुरसाल है बैरक है झोपड़ी है खाता है क्या आंसर हो जाएगा खाता हो जाएगा कुरसाल बैरक झोपड़ी या खाता है इन सभी से अलग आगे बढ़े बारह के बाद तेरह ए एल बी आई एन ओवेल नहीं है कि कॉन्सोनेंट नहीं है इसमें भॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है भॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है इसमें बाबू सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट है इसमें भॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो तो नंबर बी ऑप्शन आता अकाउंट होता है ना जी प्रॉब्लम तो है तो ठीक रहे करता है आओ नहीं बनाओ प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री और एच में प्लस थ्री करिएगा क्या हो जाएगा K और जहाँ पर इंग्लिश नहीं बुझाएगा वहाँ पर सब हिंदी में आ जाइएगा ये तो हम कह रहे हैं आइए अगला ये हो गया ना जी के K किस में है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है ऑप्शन दो नंबर ए, ए ए तो सब में आएगा टी 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 सब में आएगा ही आगे बढ़े देखिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन बनाने का आदत है आपका स्पीड बढ़ रहा है ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो वो तो ठीक है ये किए हैं तो क्या हम क्या करें वो नहीं कहने का मतलब है स्पीड बढ़ाना है ऑप्शन पे ध्यान दीजिए तब लेटर लिख ही लें ऐसा जरूरी थोड़ी है आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं जितना भी क्वेश्चन हो रहा है हम उसमें एक तो लेटर मैच कर रहा है हम उसे कर दे रहे हैं क्या वो स्पीड नहीं है ठीक है तो वो आप यहां पर कीजिए प्रैक्टिस तब ना आगे लागू कीजिएगा ठीक है यहीं पर रहिएगा अच्छा के, के तो हो ही गया एस तो कर ही लेकिन देख लेते आगे होता है ए, 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 एक, एक सेकेंड नहीं गया तो तीन सेकेंड गया ठीक है चलिए अगला चौदह तो के बाद पंद्रह यहाँ पर देखिए एस और उसके बाद डब्लू है तो कितना हो गया प्लस चार यहाँ पर फिर सत्ताईस प्लस चार यहाँ पर ई e आएगा अब ई e आएगा दूगो ऑप्शन तो चला गया कम से कम दो गो बचा हुआ है अब यहाँ पर देखिए क्या है प्लस फोर प्लस फोर यहाँ पर प्लस फोर तो एफ ऑप्शन कौन सा चार नंबर ठीक है सोलह तो क्या लिखा है ए और एफ प्लस फाइव यहाँ भी प्लस फाइव यहाँ पर भी प्लस फाइव तो हो जाएगा बाबू पी तब में पी दो दो गो में पी है ऑप्शन तो, तो कम से कम गया अब क्या है देख लीजिए नौ है ग्यारह यही आंसर लाएगा तीन दो पांच पांच दो सात सात दो नौ अब यहाँ सात दो नौ की सात दो ग्यारह सात चार ग्यारह क्योंकि तो दोनों सिचुएशन है तीन है पाँच है सात है नौ भी हो सकता है ग्यारह भी हो सकता है प्राइम नंबर के हिसाब से ठीक है प्राइम नंबर के हिसाब से रखेंगे तो ग्यारह हो जाएगा और अगर बाबू इसके विषम संख्या के हिसाब से रखेंगे तो नौ हो जाएगा लेकिन प्राइम नंबर का और इसका जहां तक मेरा प्रैक्टिस का बात है जब भी इस प्रकार का सिचुएशन हुआ है प्राइम नंबर लेना है जब होता है वो बाबू दो से ही शुरू करता है जब यहां से शुरुआत से शुरू करता है तब इसीलिए यहां पर नाइन ही नहीं होगा ना कि यहां पर 11 होगा आंसर हो जाएगा एक नंबर ठीक है प्राइम नंबर अगर लेना होता तो तीन ले सकता तो दो भी ले सकता था चलिए बारह छ का बहत्तर यहां पर बहत्तर गुने तीन नवरा जी गुना छुने तीन गुना गुने तीन ऑप्शन बाबू दो नंबर डी ऑप्शन हो गया हाँ जी गलत संख्या का पहचान करें प्लस किया गया जीरो का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर तो नौ नौ जोड़ेंगे तो तिरसठ होगा प्लस चार का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पर पाँच का स्क्वायर यानी कि साठ जो है वह क्या है गलत रूप में है यहाँ पर साठ के जगह प्रेसत होना चाहिए था बता दें चलिए यहाँ पर क्या श्रृंखला में समान गुण नहीं है ये देख लीजिए सब किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है जबकि पांच जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है आंसर बाबू फाइव ऑप्शन तीन नंबर चलिए यहाँ पर सेवन है थ्री है फाइव है एट है और बाबू वन है हो गया क्लियर है तो बस यही तरीका अब आप भी अपनाइए यहाँ पर क्या होगा एट टू गया 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 सही हुआ तो लेटर से आंसर आ गया अब एट टू करने के बाद कुछ विद्यार्थी पहले लिखेगा आदत छोड़वाने का कोशिश कर रहे हैं हम छोड़िए तो उसका हम क्या कर सकते अब यहां पर एट टू लिखने के बाद वो आगे थ्री फोर नाइन लिखेगा हम एट टू लिखने के बाद ऑप्शन देखेंगे सिंपल सी बात है तो जल्दी होगा ही होगा। ही उन शब्दों में जिसके अक्षर अच्छा अव्यवस्थित रूप से दिए गए हैं, शब्द ज्यामितिक रूप से प्रच्छन नाम की पहचान कीजिए तो बन रहा है स्पिरिचुअल ठीक है अब यहां पर जो है कौन सा बन रहा है अच्छा नाम की पहचान कीजिए जो उससे नहीं बनेगा वही ना तो दो ठो पी दिया हुआ है यही होगा तो ऑप्शन बाबू दो नंबर क्या कैसे मतलब होता है छिपा हुआ सर शब्दों में से में से अक्षर अव्यवस्थित रूप से दिए गए हैं दिए गए शब्द ज्यामितिक रूप के सॉरी ज्यामितिक चित्र के प्रछंड नाम की पहचान कीजिए ठीक है आमितिक का ना बात हो रहा है और व्यवस्थित यानी कि जैसे कि एप्पल लिखा हुआ रहता है उल्टा पुल्टा रूप में ठीक है कहीं कुछ थोड़ा देर छोड़ दीजिए थोड़ा देर बाद चलिए अगला क्वेश्चन है 21 के बाद 22। क्या लिखा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दाया इधर है बाया इधर है क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाबू एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता।, चलता है दक्षिण दिशा में जाता है कितना वहां से वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है उत्तर दिशा में गया पांच के बाद वह तीन किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता फिर पश्चिम में गया बाबू तीन अब वो आरंभिक स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है अपोजिट डायरेक्शन घटाना तो यहाँ पर हो गया चार और चार और तीन का क्या करेंगे कर्ण निकाल देंगे कितना हो जाएगा पाँच और यहाँ पर दिशा क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट में पाँच किलोमीटर के दूरी पर ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन क्या चलिए अगला तो में ट्री में रिसिपल कुछ होता भी है जानते हैं और इसको डिसरेंज करने के बाद कोई वर्ड बनता हो मान लीजिए देखिए यहाँ पर जो रिसिपल जो सर्च करते हैं क्या कुछ दिखाता है कुछ होता है चलिए बाद में सर से बात करें चलिए अगला जी यहाँ से एग्जॉस्ट चला तो बंद का रखवाता है वो तंद्र कर देता ना आइए क्या लिखा हुआ देखिए शंकर और गणेश क्या लिखा देखिए शंकर और गणेश 150 मीटर पूर्व की ओर चले एस से शंकर जी से गणेश 150 मीटर चला दोनों पूर्व की ओर ठीक है पूर्व की ओर चले शंकर बाई और घुमा और 100 मीटर चला शंकर बाई और घूम गया और 100 मीटर चला गणेश 100 मीटर सीधे ही गया तो गणेश पूर्व दिशा में ही गया 100 मीटर बाद में गणेश दाई और घुमा और शंकर बाई और गणेश घूम गया दाई और शंकर घूम गया फिर से बाई और ठीक है और घुमा अब उनका मुख किस दिशा में है तो उनका मुख शंकर का मुख है पश्चिम दिशा की ओर और, और इसका मुख है दक्षिण दिशा की ओर पश्चिम और, और दक्षिण ऑप्शन बाबू चार नंबर डी ऑप्शन ठीक है चलिए अगला सवाल क्या लिखा है बारह का स्क्वायर कीजिए बारह का स्क्वायर कीजिए एक सौ चौवालीस एक सौ चौवालीस गुना दो कर दीजिए दो सौ अट्ठासी ठीक है वहीं पर पांच का स्क्वायर पच्चीस पच्चीस गुना दो तो पचास उन्नीस का स्क्वायर तीन सौ इकसठ गुना दो तो सात सौ बाईस ऑप्शन तीन नंबर यहाँ देखिए आठ गुना नौ गुना अट्ठासी कीजिए आठ गुना नौ गुना अट्ठासी कर दीजिए हो जाएगा छप्पन सौ बह बत्तीस नहीं आता है आता तो होगा जी तो गलती है तो कैसे आएगा यहाँ आठ है यहाँ आठ लिखा हुआ अच्छा से देखिए आप लोग हाँ तो ठीक नहीं किया इसीलिए हम अपना हम ठीक कर लिए आप लोगों में ठीक कर लीजिए आठ कीजिए ठीक है साथ गुना, साथ गुना, सात गुना सात गुना सतहत्तर बराबर सैतीस सौ तिहत्तर यही तरीका अपनाइए आंसर हो जाएगा बापू सेवेंटी सिक्स सतासी हो जाएगा तब गुना किए जी यहाँ पर आठ लिखा हुआ है टाइपिंग मिस्टेक है हो गया पच्चीस के बाद छब्बीस नंबर में आइए सात चौका अट्ठाईस नहीं हुआ अट्ठाईस में भागा दीजिए सात से चार चार में चार जोड़ दीजिए आठ हो गया पैंतीस में भागा दीजिए तो सात सात और तीन को जोड़ दीजिए दस हो गया बत्तीस में आठ से भागा दीजिए चार और चार में पांच जोड़ दीजिए तो हो जाएगा बाबू नौ पाठ के स्थान पर हो जाएगा पाँच ऑप्शन हो जाएगा चार डी ऑप्शन ठीक है ठीक है चलिए अगला चालिका डी ई जी आई फोर प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन हो गया कितना जी ट्वेंटी फाइव तभी लेटर के पोजिशन को लिख करके जोड़ दिया गया है लेटर के पोजिशन को लिख करके जोड़ दिया गया है यही तरीका अपनाइए छः पाँच ग्यारह ग्यारह आठ उन्नीस उन्नीस और चार तेईस ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन क्या लिखा है एबीसीडी से जेड तक टी के दाई और चौथे अक्षर टी कितना नंबर पर तीस नंबर पर के दाई और चौथा अक्षर के दाई और चौथा अक्षर के बाई और ग्यारवा अक्षर कौन सा होगा चौबीस माइनस ग्यारह बराबर तेरह नंबर पर लेटर एम फॉर मैंगो ऑप्शन बाबू नंबर डी ऑप्शन ठीक है उनतीस नंबर सवाल अब देख लीजिए यहां पर कौन सा आकृति को सेट करेंगे ताकि हमारा यह प्रश्न आकृति जो है पूरा हो जाए और यहां पर लगाएंगे कौन सा विकल्प ऑप्शन बाबू चार नंबर डी ऑप्शन तो कौन लगाएंगे डबल लाइन यहाँ है ना जी बक्सा भी है ना फिर डबल लाइन ना है सब कुछ तो इसी में ना है चारे में ना नीस के बाद तीस नंबर इसमें देखिए यह जो प्रश्न है कहाँ पर छिपा हुआ है ये हमारा सवाल है अच्छा ठीक है क्या होगा कहीं होवे ना करेगा ठीक है यह बाबू दो नंबर बी में छिपा हुआ है आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अच्छा ठीक है ए में भी ले आते हैं क्या दिक्कत है हाँ ए में यहाँ से प्रत्यय तो मुर्गे वो तो छोड़िए ये देखिए ना क्या गैपिंग क्या है ठीक है और कोई दिक्कत आप बहुत डिफरेंस है हाँ? ये देखो सबसे पहले यहां पर ये 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 लाइन पे जाके मैच कर रहा है ये कहा इस लाइन पे ये देखिए इस लाइन पे है है ना थ्री वन थर्टी वन क्या लिख रहा है एस में प्लस वन करिए टी सॉरी आई सॉरी बीस ठीक है आई नौ नंबर पर प्लस वन कर दीजिए तो दस यानी कि सभी लेटर के पोजीशन में प्लस वन किया गया अब सभी लेटर के पोजीशन में प्लस वन किया गया तो बी में प्लस वन करेंगे तो हो जाएगा बाबू थ्री थ्री है आर अठारह यहां पर उन्नीस ऑप्शन बाबू चार नंबर डी ऑप्शन अच्छा मान लीजिए यही क्वेश्चन है क्या ये क्वेश्चन समय नहीं बचाता है बहुत समय बचाता है ये। जिसको समय लगा ना, बहुत समय बहुत भी लगा सकता है ठीक है चलिए क्या है देखिए ए दे और चार का अंतर दो पांच और तीन का अंतर दो, दोनों को जोड़ दीजिए तो चार आठ और छः का अंतर दो चार और दो का अंतर दो दोनों को जोड़ दीजिए तो चार यहाँ पर पांच, यहाँ पर भी पांच, दो जोड़ दीजिए कितना तो दस ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन चार नंबर डी ऑप्शन ठीक है आकृति में कितने ट्रायंगल हैं चलिए सबसे पहला यहाँ आप इसको गिनती कर लीजिए कल भी गिनती हम लोग किए थे चार गुना दो आठ आठ बाबू ऊपर में आठ नीचे में ठीक है और आठ ऊपर में आठ नीचे में हो गया ना अब जैसे ही ये वाला हम लिखे तो तीन तीन के बाद जैसे ही ये ऐसे होता है देख लीजिए तो ये पांच ना हो जाता है ठीक है तो ये हो गया पांच इधर से और पांच बाबू उधर से दस इसके बाद इसके बाद है देखिए ये वाला कंप्लीट इस प्रकार से यहाँ से यहाँ एक और यहां से यहाँ एक इधर कितना दो ठो और है आठ आठ सोलह दस छब्बीस दो अट्ठाईस ऑप्शन बाबू अट्ठाईस है ना जी एक नंबर ठीक है सबसे अधिक मारने वाले इस सबसे अधिक वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म है जान लीजिए हाँ सेकेंडे लास्ट कला कॉन्सेप्ट लगाइए पता चलेगा हाँ जी अब यहाँ पर है कि इस आकृति में से इस आकृति को घटा दीजिए तो कौन सा आकृति प्राप्त हो जाएगा तो या लीजिए घटा दिए ऑप्शन कौन सा चार नंबर डी ऑप्शन ठीक है थोड़ा ज़्यादा ऊपर से हम घटा दिए हैं अब ठीक है आकृति में से इस आकृति को माइनस घटाना नहीं है प्लस रहता तो जोड़ना होता है चलिए जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था वो लोग एक एक कम से कम एक तो नया क्वेश्चन तो सीखे कि ऐसा भी होता है अब चलिए इसका मिरर इमेज बनाइए मिरर इमेज बनाइएगा पता चल जाएगा ऑप्शन तीन नंबर आंसर है सी ऑप्शन ठीक है चलिए अब आगे बढ़िए थ्री सिक्स थर्टी सिक्स में आइए और ये क्या कह रहा है कागज़ को मोरना है कागज को पहले मोड़ना है फिर काटना है और उसके बाद फिर से खोलना है फिर बताना है कि क्या डिज़ाइन बन रहा है सबसे पहला क्वेश्चन में यदि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में गड़बड़ी होता है क्योंकि तो थोड़ा सा है क्वेश्चन को ज्यादा मोड़ा गया है तो मोड़ने के लिए सीख लीजिए यानी कि गिनती को सीख लीजिए पहले यहाँ पर मोरे तो बाबू दो परत ठीक है कितना परत दो परत इस दो परत को फिर से यहाँ मोरे कितना परत चार परत अब इस चार परत को फिर से ना मोड़ दिया गया है रुकिए बोलता तो ऐसे ना बन जाता चार परत को जो है फिर से देखिए यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया गया है ठीक है मोड़ दिया गया यहाँ पर आ गया और चार को दुगना फिर कितना आठ परत अब इस आठ परत पर इस आठ परत पर ये देखिए आठ परत हो गया हमारा आधा गो सर्कल बनाया है आधा गो आठ परत पर आधा सर्कल एक परत पर आधा सर्कल तो इसका मतलब दो परत पर पूरा सर्कल है ना जब ए, जब एक परत पर आधा सर्कल तो आठ परत पर के गो सर्कल चार गो सर्कल चार गो है चार गो है चार गो है चार गो है, है तब में चार चार गो है चलिए ठीक है अब ये हमारा सिचुएशन जो है सर्कल वाला ये सर्कल वाला सिचुएशन आएगा कहाँ पर वो भी तो देखना है ये आप इस डिजाइन में देखिए कि कहाँ पर मोर करके लाया गया इसको ये मोरे फिर बाबू ये मोरे फिर बाबू ये मोरे और अब आधा सर्कल बनाया है यहाँ पर पूरा सर्कल यही ना बनेगा पूरा सर्कल यहाँ बनेगा आप इस डिजाइन पे देखिए कहाँ पर है क्या है क्या है क्या ऑप्शन कौन सा चार नंबर डी ऑप्शन कोई दिक्कत चेन्नई से दिल्ली शीघ्र पहुंचने के लिए वायुयान से जाए चेन्नई और दिल्ली वायुयान सेवा से जुड़े देखिए सबसे पहले चेन्नई से दिल्ली अगर आपको शीघ्र जाना है जल्दी से जाना है तो क्या करना है हवाई जहाज से जाइए तो हवाई जहाज से जाइए यह आपको बताया गया तो अब चेन्नई और दिल्ली वायुयान से जुड़े हुए हैं हाँ जुड़े हुए हैं तभी तो तभी तो ऐसा कहा गया सही है चेन्नई से दिल्ली जाने के लिए कोई साधन नहीं है तो कोई साधन नहीं तो वायुयान कहाँ से आ गया और कोई साधन नहीं है क्या और किसी साधन के बारे में बताया नहीं बताया इसीलिए पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है थर्टी एट इक रहा है कौन सा संख्या स्थल भारतीय अध्यापकों को दर्शाता है जो वकील भी है चलिए स्थल भारतीय अध्यापक वकील यानी कि स्थल लगता है गलत लिखा गया क्या अच्छा कौन सी कौन सा संख्या संख्या स्थल ठीक है भारतीय भारतीय अध्यापक और वकील तो तीनों होना चाहिए तीनों में कौन सा थ्री है ऑप्शन बाबू चार नंबर डी ऑप्शन दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाता है दिल्ली को भारत का राजधानी कहा जाता है ठीक है अब जब दिल्ली को भारत का राजधानी कहा जाता है अब हमको वहां देखना यह है कि भारत को क्या कहा जाता है अमेरिका को ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड को अफ्रीका अफ्रीका को रूस रूस को भारत भारत को पाकिस्तान यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा पाकिस्तान ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर चलिए अगले सवाल की ओर अब शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तो क्या होगा चलिए इसको व्यवस्थित करते सबसे पहले बी ए एन बी एन बी एन बी ए एन बी ए एन इतना तो चला गया अब यहां पर देखिए डी है और डी से पहले कोई भी लेटर वैसा नहीं है यानी कि सबसे पहले तो थ्री होगा इसके बाद अब देखिए क्यू टी जी के तो पहले जी G, G के बाद के यानी कि दो, दो के बाद पांच ऑप्शन दो तो नंबर बी ऑप्शन ठीक है नीचे दिए गए संख्या डी विकल्पों में दी गई तीन विकल्पों में से संख्या परस्पर संबंध है परंतु एक विकल्प में संख्याओं का परस्पर कोई संबंध नहीं है उस विकल्प को पहचानिए अब यहाँ पर जो है परस्पर संबंधित तो है और कौन सा है जो परस्पर संबंधित नहीं है उसके बारे में हम लोगों को बताना है नीतीश कुमार गुड इवनिंग सर जी और कुछ तो कमेंट कर लो तो वो लोग थोड़ा हम कमेंटो पढ़ लेते हैं कभी कभी चलिए अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन में इसको देखिए यहाँ पर क्या क्या किया गया है दस और आठ दस में आठ घटा दिया तो दो दो गुना दो बराबर चार पांच में से चार घटा दिए तो एक है जी दो और दो चार एक और एक तो दो तो रह गया गुना नहीं किया गया पंद्रह में से बारह घटाइए तो तीन तीन और तीन तो छः छः में से आठ घटाइएगा माइनस दो माइनस दो या दस जोड़ दीजिए तो बारह थोड़ी हो जाएगा माइनस आठ हो जाएगा ना माइनस दो प्लस दस बराबर एट होगा ना कि बारह होगा ऑप्शन बाबू चार नंबर डी ऑप्शन पी के यूट्यूब गुड नाइट स्वीट डिन्यू तो सो जाओ चलिए अगला छियालीस नंबर क्वेश्चन को बोला गया है बनाने के लिए बना लीजिए ठीक है और बयालीस का आंसर हो जाएगा बाबू टू एट ट्वेंटी एट ऑप्शन चार नंबर डी ऑप्शन ठीक है तो, तो लोग एक तो बात हम बताते हैं चलिए आइए जब बनवाइए रात तो बता ही देंगे कुछ क्या है देखिए एक अर्थ क्या लिखा हुआ है जी एक अर्थ लिखा हुआ भागा का अर्थ दे रहा बाबू भागा क्यू का अर्थ दे रहा योग जोड़ना है और जे का अर्थ दे रहा गुना करना है और टी का अर्थ क्या दे रहा घटाना है सबसे पहले एक बात याद रख लीजिए यदि आपको बोर्ड मास बनाने में गड़बड़ी हो जा रहा है तो हम यह नहीं करें कि आपको कैलकुलेशन नहीं आता वो तो आप समझिए रहे हैं हमको कहना क्या है लेकिन <laughs> नियम कहता है पहले जोर करो तब घटाओ करो तो गलती इसी में होता है सर गलती हो जाएगा गलती होता जानते कहाँ पर है यहाँ पर जैसे यहीं पर है तीस भागा दो बराबर पंद्रह पंद्रह प्लस यहाँ पर तीन गुना छ अठारह माइनस पांच ठीक है यहाँ पे अठारह में से पांच घटाने के लिए भूल जाता आदमी ठीक है ये एक गड़बड़ी का एक रीजन है अगर मान लीजिए यहां पर पंद्रह प्लस माइनस पंद्रह माइनस अठारह प्लस पांच लिखा हुआ है जानते हैं क्या कर देता आदमी अठारह में पांच जोड़ देगा तेईस तेईस घटा देगा पंद्रह में से यह भी एक बहुत बड़ा गलती होता है इस इस प्रकार का छोटा छोटा गलती है ये इस प्रकार का गलती ना करें पहली बात दूसरी बात आप क्या कीजिए ना जो तो आगा और गुना का क्रिया वो तो है, है ही पहले करना ही है आप क्या करिए पहले घटा लीजिए बाद में जोड़िए हंड्रेड परसेंट गारंटी लेते हैं कभी गलत नहीं होगा पहले आप पहले जोड़ तब घटाओ कर ना करके पहले घटाइए बाद में जोड़िए आपका हमेशा सही होगा तीस भागा दो बराबर पंद्रह यहाँ पर प्लस तीन गुना छः बराबर अट्ठारह माइनस पाँच हो गया कितना तेरह और तेरह पंद्रह कितना होता है अट्ठाईस होता है ऑप्शन बाबू कहाँ जी दूर दूर तक रिलेशन नहीं एक सौ तीन आए कौनों भागा उल्टा पुल्टा कर देते कहा चलिए आइए यहाँ पे मन नहीं लग रहा होगा क्वेश्चन लिखने वाला का तो ऐसे लिख दिया आई यू वी ही बढ़िया है बना लीजिए बैठ के ऑप्शन हो जाएगा बाबू चार नंबर डी ऑप्शन देखिए जी अभी कमेंट करने बोलते बहुत विद्यार्थी सब कमेंट किया है थोड़ा पढ़ लेते हैं अमित कुमार फी कितना है सर सबसे बढ़िया कमेंट बाबू ऑफलाइन टेस्ट का फी है दो सौ रुपया में एक महीना चार सौ रुपया में तीन महीना ठीक है ऑनलाइन टेस्ट का फी है एक सौ रुपया में बीस टेस्ट कैलकुलेशन कर लेना बढ़िया से अगर पटना में है तो बाबू ऑफलाइन टेस्ट ज़्यादा सस्ता है श्वेता तो कुमारी गुड इवनिंग सर जी की कितना है बता दिए रीजनिंग नया बैच स्टार्ट कब होगा सर रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट होगा बाबू ऑफिस में संपर्क करिए हमारा आपने नहीं पता अभी 10 तो में तीन महीना हाँ बाबू 10 तो में तीन महीना तू पहले अभी के सो जाओ फिर जगना ठीक है ना वैकेंसी के बाद का है पहले मिटा दें इसके बाद अगला क्वेश्चन शब्द कोश में अब शब्द कौन लिखा हुआ शब्द कोश में तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर अच्छा आएगा तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा यह हमको बताना है तो चलिए एम ओ एन एम ओ एन एम ओ एन एम ओ एन ए ए दोनों तो गया पहला दूसरा में ए और ए के कारण पहला दूसरा में ये दोनों चला गया e, e, बाबू तीसरा नंबर पर यहाँ पर टी है वहां पर वाई है यही होगा तीसरा नंबर पर ऑप्शन एक नंबर एक नंबर ऑप्शन चौवालिस के बाद पैंतालीस का पुनः क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाईस यानी कि दो नंबर ऑप्शन ऑप्शन बाईस चलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है यही सब लेटर लिखा हुआ नहीं जी देखिए आर यू बी और बी ई आर बी यू आर आर ई और बी इसका सिचुएशन देखिए इस प्रकार से क्रॉस क्रॉस किया है ठीक है यही सिचुएशन यहां रखिए टी ए सी हो जाएगा और टी ए सी दो दो ऑप्शन में नहीं और ई एल टी ई एल टी ऑप्शन बाबू दो नंबर ई ऑप्शन ठीक है फोर सेवन फोर्टी सेवन तिरंगा झंडा फहराया गया अब इसका इमेज बनाइए इमेज बनाइए क्या आंसर आएगा देखिए इधर से ये वाला एरिया छोटा बड़ा है उधर झंडा है यहाँ पे गलत यहाँ पे ठीक है यहां भी ठीक है यहाँ भी ठीक है उस हिसाब से अब झंडा तो बनेगा इधर इस हिसाब से बनेगा यानी कि ये भी गलत तो ये नंबर सही है जी काय की झंडा का ये वाला नोक यहाँ देखिए ऊपर की ओर जा रहा है जबकि यहां पर ये देखिए नीचे की ओर जा रहा है ठीक है ऑप्शन हो जाएगा दो नंबर बी ऑप्शन बोडवास का भरमार नहीं जी चलिए पुनः मास का क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन नहीं बना है सात और माइनस है ना हाँ ठीक तो है दो नंबर दो नंबर आज ही बनाते हैं देख लेते हैं क्या लिखा हुआ पच्चीस माइनस नौ माइनस और भागा को बदलिए ठीक है माइनस और भागा को बदलिए तो यहाँ पर लिखिए भागा तो यहाँ पर करिए माइनस और बाद बाकी सब ठीक है पाँच और सात को बदलिए यहाँ पर लिखिए बाबू पांच पाँच, पाँच तो यहाँ पर लिखिए सात ठीक है सत्ताईस तो भागा नौ बराबर तीन प्लस बयालीस माइनस छ बराबर नहीं ना 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 बयालीस माइनस छह यहाँ पर ही है ना नीस ना हो गया अल्लाह क्या कर रहे हैं बयालीस माइनस तीस बराबर बारह हो गया तीन और बारह पंद्रह सत्रह वाला कि बोला बदलने के लिए तो बदलिएगा कि नहीं यहाँ सात के जगह पांच नहीं लिखिएगा क्या बोलिए बोलिए जब बोला पांच और सात को बदलिए सात के जगह पांच ना लिखिएगा सत्रह पंद्रह कृतिका की माँ सेजल का पति है रोनित की माँ चांदनी का कृतिका से क्या संबंध देखिए रोनित का इकलौता भाई विक्रम कृतिका की मां सेजल का पति है विक्रम जो है कृतिका की माँ सेजल का पति है विक्रम जो है वो है सेजल का पति ठीक है और सेजल कौन है तो कृतिका की माँ है माँ है कृतिका की, की। रोनित का इकलौता भाई विक्रम रोनित का भाई कौन है रोनित का भाई विक्रम है अब रोनित का इकलौता भाई विक्रम कृतिका की माँ सेजल का पति रोनित की माँ चांदनी का रोनित की माँ चांदनी माँ का नाम है चांदनी चांदनी का कृतिका से क्या संबंध है ठीक है पिता की माँ दादी ऑप्शन हो जाएगा बाबू चार नंबर डी ऑप्शन ठीक है अली बाबू कैसे हैं सर और सब बढ़िया हाँ बाबू और सब बहुत बढ़िया आइए उनचास के बाद पचास नंबर ला लिखा है संख्या एक वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा देखिए किसी भी दो डाइस में सब सब में तो एक लिख ले है जी सब में तो एक लिख ले रूले नहीं लगाना है एक है हाँ ही दो दो तो नहीं होगा तीन तीन नहीं होगा चार नहीं है वही आंसर होगा ठीक है बगल वाला सतह कभी भी विपरीत में नहीं होता है बगल वाला सतह विपरीत में नहीं होता है तो एक के बगल में ये सब है एक के बगल में ये सब है तो जो नहीं है वही आंसर ऑप्शन बाबू तीन नंबर यानी कि फोर तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर जय हिंद